हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने की सोच रहे हो और आप उसके रिलेटेड चीज़ों को भी सीख रहे हो, आप HTML सीख रहे हो, CSS सीख रहे हो, JavaScript सीख रहे हो, एनी अदर फ्रेमवर्क सीख रहे हो, राइट? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिशन हो चुका है, राइट? हर कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है, तो उस चलते है ना थोड़ी सी चीज़ें हार्ड कर दी गई है। इंटरव्यू हार्ड होने लग गए हैं, राउंड्स पे राउंड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले एक राउंड होता था, आज चार चार पाँच पाँच राउंड हो रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि हर कोई वेब डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, जॉब कम है और लेने वाले ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में जो इंटरव्यू के जो राउंड्स है, जो उनका लेवल है, वो बहुत इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि बहुत अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। तो जैसे कि हम बात करें कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हो और आप उसके रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो आप सबको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि HTML CSS से काम होने वाला नहीं है। यू नीड टू नो अबाउट वन फ्रेमवर्क, आपको एक फ्रेमवर्क आना चाहिए। वो हो सकता है React JS, वो हो सकता है Vue JS, वो हो सकता है Angular JS। लेकिन आज के करंट मार्केट के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है React JS। हर कोई कंपनी React JS के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है, और मेरे कंपनी के अंदर भी React JS के ऊपर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो React JS की जो डिमांड है वो आज के टाइम में बहुत हाई पे चल रही है। अगर आप React JS सीख लेते हो अच्छे से एकदम, तो आपकी अच्छी खासी पैकेज पे जॉब लग जाएगी। तो मैं आज टॉप 5 React JS के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। ये काफ़ी रेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपको पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि 100 में से मैं अगर इसको वोटिंग दूँ तो 1% चांस है कि पूछे जा सकते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आपने इन रेयर क्वेश्चंस का आंसर आपने इंटरव्यू के अंदर दे दिया, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि भाई इसको डीप नॉलेज है और ये अच्छा खासा जानता है React JS के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये 5 ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला है कंडीशनल रेंडरिंग इन React JS। आप अगर React JS पढ़ रहे हो तो आपको कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनल रेंडरिंग, अब जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स कंडीशंस लगाते हो, ठीक है, कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये नहीं तो ये होनी चाहिए। सेम रिएक्ट के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है प्रॉप ड्रिलिंग। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि प्रॉप ड्रिलिंग रिएक्ट जीएस के अंदर क्या होती है। अब आप बोलोगे कि प्रॉप ड्रिलिंग, ये तो भाई हम सबको पता है, इसमें नया क्या है, ये क्या रेयर है। हम सबको पता है भाई मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जैसे कि पेरेंट है, उसके अंदर सपोज 10 चाइल्ड है, तो मुझे पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेजना है तो मैं प्रॉप ड्रिलिंग यूज़ करूँगा, इसमें क्या रेयर है। अब सुनो, वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि प्रॉप ड्रिलिंग मुझे बताओ कि क्या है, राइट? उसको पता है, अगर आप React JS के इंटरव्यू के लिए आए हो तो उसको पता है आपको प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में पता है। वो पूछेगा कि प्रॉप ड्रिलिंग का अल्टरनेटिव क्या है और इसको किस तरह से हम बेटर वे में कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव एक तो है कंटेक्स्ट हुक और दूसरा है रिडक्स। तो आपको कंटेक्स्ट हुक और रिडक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? प्रॉप ड्रिलिंग को बताना कोई बहादुरी बात नहीं है, ठीक है, हर कोई बच्चा समझा देगा उसको, लेकिन कंटेक्स्ट हुक और रिडक्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद जो तो तीसरा क्वेश्चन है वो है चिल्ड्रन। React JS के अंदर चिल्ड्रंस क्या होते हैं, मैं जहाँ तक गेस कर पा रहा हूँ आप लोगों को नहीं पता है चिल्ड्रन क्या होते हैं React JS के अंदर, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है चिल्ड्रन क्या होते हैं React JS के अंदर, नीचे जाके कमेंट करो और बोलो कि हमको नहीं पता है चिल्ड्रन के बारे में, राइट? और जिन लोगों को पता है वो भी कमेंट करो कि भाई मेरे को पता है चिल्ड्रन के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता है चिल्ड्रन क्या होते हैं React JS के अंदर, आप YouTube पे सर्च करो चिल्ड्रन इन React JS, तो आप वहां से पढ़ना और इसका क्या यूज़ है वो भी पढ़ना। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना इंटरव्यू के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं, लेकिन जब आप कंपनी में लग जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, तो जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही उस सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ, राइट? तो चिल्ड्रन के बारे में जरूर से जरूर पढ़ना और कमेंट करके भी बताना कि आपको पता है कि नहीं पता है, राइट? अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रिकंसिलिएशन इन React JS। आई होप आप सबको पता है ये क्या होता है, ठीक? और जिनको नहीं पता है पढ़ो भाई, जाके पढ़ो। तो इसके बाद पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करते हैं React JS के अंदर। अब जिन लोगों को नहीं पता SEO क्या होता है, मैं बता देता हूँ। SEO यानी कि आप अपनी वेबसाइट की किस तरह से रैंकिंग करते हो गूगल के ऊपर। अब जैसे कि YouTube पे जाओ, वहाँ पर सर्च करो फ्रंट एंड डेवलपर, या मेरा नाम सर्च करो दीपक जाड़ीवाल, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि मैंने मेरे चैनल के अंदर, मेरी वीडियोज के अंदर मेरा नाम डाला है दीपक जाड़ीवाल, तो ये कीवर्ड हो जाता है। और जब इस कीवर्ड को आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करते हो, तो उस कीवर्ड रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आपको दिखाई देती है। तो ये किस
तरह से हम रिएक्ट जेएस के अंदर करते हैं वो जरूर से जरूर आप सीखिएगा, ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है कभी कभी। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर आप कोई स्टार्टअप के अंदर जा रहे हो या अभी अभी कोई कंपनी खुली उसके अंदर जा रहे हो तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जो कंपनी होती है ना उसके अंदर सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, जैसे कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, फिर SEO, फिर क्लाइंट हैंडलिंग, तो सारी चीज़ें आप पे रहती है। तो अगर आप छोटी मोटी कंपनी में जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको देखनी जरूर पड़ेगी, राइट। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इनकी पूछने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं पूछेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन 1% चांस है आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, और अगर आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है फिर भी आपने पढ़ के रखा है तो कहीं ना कहीं ये आपको आगे जाके काम आएगा, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, YouTube पे जाओ, Google पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, इन 5 टॉपिक को रिवाइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।